रीच कुक क्रिकेट टूर्नामेंट का आज खेला गया 50वां मैच। पूर्व डिफेंस अधिकारी शर्मा रहे मुख्य मेहमान। रीच कुक क्रिकेट टूर्नामेंट का आज 50वां मैच खेला गया जिसमें पूर्व डिफेंस अधिकारी सुरेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि थे। शर्मा ने एजीए की प्रशंसा करते हुए कहा कि एजीए द्वारा शुरू किए गए क्रिकेट टूर्नामेंट से युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। इस मौके पर सुरेंद्र अर्जुन, बलवंत सिंह, अमन कुमार इत्यादि कई लोग मौजूद थे। जूनियर क्रिकेट लीग का आज एक 50वां मैच है जिहड़ा ए स्टार ग्राउंड छोटे तौर सही मायने च जिस बंदे दी ये तस्वीर है वे इत्थे क्रिकेट ग्राउंड बनानी है उन्हें सही मायने च जंगल च मंगल करता ते चार चांद ला रही है उन्हूं ए जी ए दी टीम 12 दिसंबर नूं चोण तो बाद चुनी गई सी ते लगातार 2-2.5 महीनों तो क्रिकेट का एक मेला लगा है। पहले गांधी ग्राउंड की दिशा सुधारी गई, फिर उसे टूर्नामेंट शुरू कराई गई है। अंडर 16 चल रही है, फिर एक अंडर 19 स्टेट की टूर्नामेंट कराई गई है। तो इहदा सारा सारा श्रेय है एक साडे प्रधान डीसी साहब ते सैकटरी अग्रवाल साहब। ये जी एजीए की टीम इस वेले चल रही है जी रमन बख्शी की जेडे वाइस प्रैजिडेंट भी ने ते सीनियर डिप्टी मेयर भी ने उन्हां दी अगवाई च ये टीम अमृतसर का जो क्रिकेट का माहौल है जिहड़ा काफ़ी 12-15 सालों तो लग रहा सी सुता होया माहौल है ये सब जाग रहा और इस वेले जाग के चलन तो अगे दौड़ रहा। उहदे वास्ते टूरनामेंट ने 12 टीमां 11 मैच हर टीम नूं है जिहड़े अगे सिर्फ गांधी ग्राउंड से मैच होंदे थे क्योंकि गांधी ग्राउंड दी क्रिकेट का मक्का मदीना अमृतसर का ते हुण जिहड़ा जंगल च मंगल जिस तरह ए स्टार अमन उन्हां ने दित्ती है ग्राउंड अज साडे माणयोग मेहमान सीनियर क्रिकेटर सुरेंद्र शर्मा जी उन्होंने आंध्रा वालों हैदराबाद वालों रणजी ट्रॉफी का मैच भी खेले ने सीनियर क्रिकेटर ने अज बच्चों को आशीर्वाद देने आया ते मैं इतने आनते अमृतसर गेम का शिविर वालों उन्होंने जी आया आखना तो उन्होंने धन्यवाद करना कि वह बच्चों को आशीर्वाद देने अज आप हाजिर हो। सुरेंद्र जी अपने जमाने के बहुत अच्छे इन स्विंगर आउट स्विंगर बॉलर से और सारा अमृतसर के वैटरन क्रिकेटर इन्हों जानते हैं और बड़ा क्रिकेट का इन्होंने लोहा मनवाया अपने टाइम। लकी समझदा तो इतने मैं मुंडे को मिले हैं मुंडे काफ़ी हौसला है हौसला ही है जो अगे बच्चे अगे लैके जाएगा हौसला होना चाहिए और बाकी ये ऑर्गेनाइजर बैठे ने दोनों तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। थैंक यू।